हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है गटरमान कोच रिएक्शन, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिक्सचर के साथ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को गटरमान कोच रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली योग्य बातें ये हैं कि यह जनरली बेंजीन एंड एल्काइल बेंजीन के द्वारा लिमिटेड होता है। यह फिनॉल्स एंड फिनोलिक इथर एंड रिंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसे मैकेनिज्म द्वारा हम समझेंगे। यह टू स्टेप मैकेनिज्म शो करता है। पहले स्टेप में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl तथा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्शन के पश्चात ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्लोरीन को अट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड एनायन बनाता है तथा बचा HCO और H जो कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड O ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकेटायन बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये कार्बोकेटायन HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O इसके साथ रिएक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये बेंजीन इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन अटैक करता है तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ का ये हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये। अब माइनस H प्लस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तथा ये बेंजल्डिहाइड को फॉर्मेशन करेगा CHO, ये डबल हो। इस तरह से ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है तथा इस रिएक्शन को गटरमान कोच रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू।